स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम आपको स्टेट बैंक नो क्यू ऐप यूज करना बता रहे हैं। इस ऐप को यूज करने के लिए अपने फोन के एप्स पेज पर जाएं और SBI नो क्यू ऐप को सिलेक्ट करें। ये ऐप ओपन हो रहा है। ओपन होने के बाद हमें भाषा सिलेक्ट करनी होगी। इस ऐप को हम हिंदी और इंग्लिश इन दो भाषाओं में यूज कर सकते हैं। लैंग्वेज चेंज करने के लिए ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करें। देखिए, यहाँ दोनों लैंग्वेजेस दिखाई दे रही हैं। फिलहाल हम यहाँ इंग्लिश को ही सिलेक्ट कर रहे हैं। आगे बढ़ने के लिए राइट एरो पर क्लिक करें। पहली बार ऐप को यूज करने पर ये स्क्रीन दिखाई देती है, जिसमें आपको कुछ डिटेल्स देनी होंगी, जैसे आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर और आपकी होम ब्रांच। इन्हें सिलेक्ट करें और सारी डिटेल्स दे दें। होम ब्रांच के लिए माय होम ब्रांच को सिलेक्ट करें। यहाँ ऊपर दिख रहे सर्च बार में अपनी ब्रांच का नाम टाइप करें। ये हमारी ब्रांच का नाम आ गया है। इस पर क्लिक करके डन को सिलेक्ट करें। अब यहाँ दिख रहे साइन अप ऑप्शन पर क्लिक करें। साइन अप होते ही यहाँ राइट मार्क आ जाएगा। हमने इस ऐप में लॉगिन कर लिया है। पहली बार हमें इस ऐप को यूज करने के इंस्ट्रक्शंस दिखाई देंगे। जैसे यहाँ हमें दिखाई दे रहा है कि होम बटन सिलेक्ट करने से ये पता चलेगा कि हमारी होम ब्रांच पर कौन कौन सी सर्विसेज अवेलेबल हैं। आगे बढ़ने के लिए इस स्क्रीन पर कहीं भी टच करें। देखिए, बैंक द्वारा दी जाने वाली सभी सर्विसेज लोड हो गई हैं। यहाँ से आप एक या एक से अधिक सर्विसेज को सिलेक्ट कर सकते हैं। हम डिपॉजिट अकाउंट ओपनिंग सर्विस को सिलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट पर क्लिक करें। ये ऐप GPS का इस्तेमाल करता है। अगर हमारे फोन में GPS ऑन नहीं है तो स्क्रीन पर ये मैसेज आएगा। यस को सिलेक्ट करें। यस सिलेक्ट करते ही आसपास की सभी ब्रांचेस लोड होने लगेंगी। ये सभी ब्रांचेस और उनके एड्रेसेस आ गए हैं। आप जिस भी ब्रांच में जाना चाहते हैं उसकी डिटेल्स देखने के लिए टैब फॉर डिटेल्स को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करते ही ब्रांच से संबंधित सारी जानकारी यहाँ पर आ जाएगी, जैसे वहाँ पर अभी कितना वेटिंग टाइम है, कितने कस्टमर्स वेटिंग में हैं और आपकी लोकेशन से ब्रांच कितनी दूर है। यदि आपको इस ब्रांच में जाना है और उस तक पहुँचने के लिए मैप चाहिए तो व्यू ऑन मैप को सिलेक्ट करें। व्यू ऑन मैप सिलेक्ट करने पर स्क्रीन पर मैप आ जाएगा। यदि आप अन्य किसी ब्रांच की जानकारी चाहते हैं तो पहले ये मैप बंद करने के लिए पुनः व्यू ऑन मैप को सिलेक्ट करें और पहले बताए अनुसार किसी दूसरी ब्रांच को सिलेक्ट करके उसकी जानकारी प्राप्त कर लें। अपना वर्चुअल टिकट बुक करने के लिए बुक ऑप्शन को सिलेक्ट करें। बुक ऑप्शन को सिलेक्ट करते ही आपको ये इंस्ट्रक्शन दिखाई दे रहा है, जिसका मतलब है कि अपना वर्चुअल टिकट बुक करने के लिए स्क्रीन को ऊपर की ओर स्वाइप करें। स्वाइप करते ही आपने जिस ब्रांच को सिलेक्ट किया होगा उसका नाम और बिजनेस आवर्स यहाँ दिखाई देंगे। फिर ऊपर की ओर स्वाइप करें। ये देखिए, ई टिकट सक्सेसफुली बुक हो गया है, जिसका नंबर NB94 है। अभी इसे एक्टिवेट करना बाकी है। एक्टिवेट का ऑप्शन तब आता है जब ब्रांच में नंबर आने के लिए 5 कस्टमर्स रह जाते हैं, अर्थात वेटिंग टाइम खत्म हो जाए। और जब तक एक्टिवेट बटन नहीं आता तब तक यहाँ रीशेड्यूल का बटन दिखाई देता है। यदि आपको किसी कारण से टिकट रीजनरेट करना हो तो रीशेड्यूल को सिलेक्ट करें और यदि टिकट कैंसिल करना हो तो कैंसिल को सिलेक्ट करें। यहाँ आपको अपना स्टेटस दिखाई देगा, जो कि 5th पोजीशन से स्टार्ट होगा और तब तक आपको एक्टिवेट बटन के आने का इंतजार करना होगा। एक्टिवेट बटन आते ही उसे सिलेक्ट करें। टिकट एक्टिवेट होने के बाद स्क्रीन पर कंफर्मेशन मैसेज आएगा और ऊपर आपको आपकी वेटिंग पोजीशन नजर आने लगेगी। इस तरह हम इस ऐप का इस्तेमाल करके अपना बैंकिंग समय बचा सकते हैं।